गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था और उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ही एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसका नाम है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो पूरी इस थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम के अनुसार एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम the order in which prime factor occur। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई ये थ्योरम ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है या एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। एंड इसके आगे आपको बोला गया है दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो आप उसको लिखोगे प्राइम प्रोडक्ट के रूप में वो कैसा होगा, यूनिक होगा जिस ऑर्डर में वो प्राइम फैक्टर उपस्थित होंगे। यानी कि आप जब किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखोगे तो वो कैसा होगा, प्रोडक्ट एक यूनिक होगा जिसमें वो प्राइम फैक्टर अकर यानी कि मौजूद होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ यानी कि क्या होगा, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि अगर हम लोग इस थ्योरम को एज अ फार्मूले के रूप में देखें तो ये थ्योरम इतना ही कहती है, कंपोजिट नंबर को हम लोग किस रूप में लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आप लोगों को दो चीज़ें इसमें से दो वर्ड नए आए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हालांकि मैं इसको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच कैन डिविजिबल बाई इट्सेल्फ और वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो केवल वन से या खुद से ही डिवाइड होते हैं आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि मैं 4 को देखूं तो 4 से तो डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इस साथ में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मैं 6 को देखूँ तो 6 कैसा है, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये तो बेसिक डिफरेंस है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में। हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में यही करना है कि कंपोजिट नंबर हम लोगों को एक गिवन होगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल वी कैन राइट 70, 70 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। वी कैन राइट 70 और एनी अदर कंपोजिट नंबर इन दी फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 70 या और कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको निम्न फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो ये फैक्टराइज करेंगे हम लोग किसको, 70 को। तो यहाँ पे इसकी 70 की वन प्लेस पे 0 है तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप छोटे से छोटा नंबर लेकर के चलोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2 होता है, तो सबसे पहले मैं 2 लूँगा। तो जब आप 2 से 70 को डिवाइड करोगे तो 35 टाइम जाएगा। अब चूँकि 35 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी वन प्लेस पर 5 है, तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 के बाद आता है आपका प्राइम नंबर 3, लेकिन 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 तो कैसा है, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग फिर 5 के पास जाएंगे। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, यानी कि 7 बचा। अब 7 तो 7 से डिवाइड होगा तो 7 बन जा 7, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 70 को मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया यहाँ पर तो 2, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो इंटू 5, फिर मैंने 7 से डिवाइड किया इंटू 7। यानी कि हम लोगों ने 70 को किस किस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। आप देख सकते हो 7 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 5 × 2। लेकिन ऐसे जब ये ऐसे लिखा गया तो आंसर में डिफरेंस आने लगा, हालांकि वैल्यू सेम है लेकिन आंसर आपको अलग अलग दिखाई देने लगा। तो इस थ्योरम का एक नोट पॉइंट आपको दिया गया है, लास्ट लाइन यहाँ पर बताई गई है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि जो जिस ऑर्डर में वो प्राइम फैक्टर
मौजूद होते हैं वो कभी कैसा होता है, यूनिक होता है। प्राइम नंबर शुड बी रिटन इन असेंडिंग, यानी असेंडिंग यानी कि आरोही ऑर्डर यानी क्रम। आपको प्राइम नंबर का जो ऑर्डर है वो कैसा रखना है, असेंडिंग ऑर्डर रखना है, यानी कि पहले सबसे छोटा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम। तो यानी कि हमारा कौन सा वाला ये फॉर्म सही होगा, सबसे छोटा प्राइम 2, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, यानी कि हमारा ये वाला सही है फॉर्म। लेकिन ये वाला हमारा गलत हो गया है, सबसे बड़ा 7 है, सबसे उससे छोटा 5 है और उससे छोटा 2 है। लेकिन थ्योरम क्या कहती है कि हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग में। ये तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि ये वाला आपका फॉर्म गलत है। तो यही चीज़ हम लोगों को इस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला गया है राइट 80, 80 कैसा है, आपका कंपोजिट नंबर है। राइट 80 इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि आपका जो 80 है उसको किस फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तुम लोग 80 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। आप लोग ये भी याद रखना है कि 2 जो है वो एक इकलौता यानी कि अकेला इवन प्राइम नंबर है। बाद बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, लेकिन 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो कैसा है, प्राइम भी है और इवन भी है। तो वो बात सीख बात हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब आप 80 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 40 बचेगा, फिर ये 2 से डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 बचेगा, फिर आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 बचेगा। और अब 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 3 के पास जाएंगे, 3 से भी नहीं होगा तो हम लोग 5 के पास जाएंगे, 5 बन जा 5। अब मैं इस 80 को किसके रूप में लिख दूंगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 टाइम डिवाइड किया है, 1 2 3 4, तो मैंने इसको 4 टाइम 2 लिखा हुआ है, और लास्ट टाइम जब 5 से किया है तो मैंने 5 लिख दिया है। अब चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ही प्राइम कितने टाइम आया है, 1 2 3 4, यानी कि 2 जो है वो कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है। तो जब भी आपको कोई एक सिंगल प्राइम एक से ज़्यादा बार आए तो आप क्या करोगे, उसको उतनी पावर की फॉर्म में लिख दोगे। चूँकि यहाँ पर 2 कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है, तो मैंने लिख दिया 80 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 5। तो यही क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में मैंने 80 को लिख दिया है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं। अब इसी थ्योरम का एक और एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड में बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसका क्या है एप्लीकेशन कि भाई इसकी हेल्प से क्या होता है, आप 2 या 2 से ज़्यादा आपको जो कंपोजिट नंबर दिए जाते हैं उनका आप LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में इंडिकेट किया जाता है कि भाई आपको किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइज मेथड से करना है। तो फिर आप उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगा सकते, फिर आपको उसमें प्राइम फैक्टराइज मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है। इसमें आपको केवल 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप आपकी क्या है कि भाई फाइंड दी प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर्स, यानी कि आपको जो भी नंबर्स कंपोजिट नंबर दिए गए हैं आप उनका अलग अलग क्या करोगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे। ये काम आपको ये करना है। फिर स्टेप सेकंड में क्या करोगे, स्टेप सेकंड में आप लिखोगे HCF, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर, यानी कि आप दोनों के प्राइम फैक्टर को लिख दोगे। इसमें जो सबसे छोटी पावर है कि प्राइम फैक्टर की जो दोनों में कॉमन है वही क्या होगा, उसका HCF होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तो HCF जो होगा वो उन दोनों कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे उनमें जो कॉमन होंगे उनकी जो सबसे छोटी पावर होगी वो क्या होगा, उसका HCF होगा। और इसका जस्ट उल्टा होता है आपका LCM। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। तो ये दो इन दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम लोग एक आध एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 14, 56 एंड 75 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको और बता चुका हूँ कि सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, आपको जितने भी कंपोजिट नंबर दिए गए हैं आप उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज गिवन नंबर, तो यानी कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 14 को फैक्टराइज किया है, यहाँ पर मैंने 56 को फैक्टराइज किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 17 को फैक्टराइज किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 14 के जो फैक्टर हुए हैं वो 14 के सामने लिख देंगे, 2 इंटू 7, तो 14 क्या लिख दिया, 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख सकते हो 1 2 3, तो मैंने 2 को भी 3 टाइम लिखा है, और लास्ट में 7 है तो मैंने 7 लिख दिया है।
क्योंकि यहाँ पर 2 एक से ज़्यादा बार आया तो मैंने 2 की पावर में लिख दिया है। इसी तरीके 70 को भी मैंने 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया है यहाँ से। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लिख दिया है। अब हम क्या लिखेंगे, हेयर 2 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1 आर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब इस लाइन का मतलब ये कहा जा रहा है कि केवल 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ही एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है। देखो 7 की पावर 1 इसमें भी है, 7 की पावर 1 इसमें भी है, और 7 की पावर 1 इसमें भी है, यानी कि ये तो आपका कॉमन फैक्टर है। 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, और 2 की पावर 1 इसमें भी है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, लेकिन बात किसकी हो रही है, स्मॉलेस्ट, यानी कि हमें सबसे छोटी लेना है जो तीनों में आ रही हो। अगर इन लोग यहाँ पर 2 की पावर 3 ले लेंगे तो 2 की पावर 3 यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हम लोग को ऐसा देखना है कि जो तीनों में आ रहा हो यानी कि कॉमन हो। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है और 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर 2 की पावर 1 ही कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1 आर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर रिस्पेक्टिवली। यही हमारा फार्मूला होता है SCF का। सो SCF ऑफ 1456 एंड 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। ये तो हमारा SCF हो गया। अब बात कर लेते हैं LCM के। LCM क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, एंड आल्सो। अब LCM क्या होता है कि भैया ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन गिविन नंबर। तो वही देखते हैं, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है कॉमन फैक्टर की, 2 की पावर 3। 2 सभी में कॉमन है और 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो हम लोग ये वाली ले लेंगे। 5 की पावर 1, 5 क्या आ रहा है, 5 की पावर अधिकतम कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो हम लोग 5 की पावर 1 कंसीडर कर लेंगे। एंड 7 की पावर 1, यहाँ पर भी 7 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 7 की पावर 1 है, और यहाँ पर भी 7 की पावर 1 है, यानी कि 7 की पावर 1 से ज़्यादा कहीं पर और नहीं है, तो हम लोग 7 की पावर 1 को कंसीडर करेंगे। आर दी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन गिविन नंबर। सो LCM ऑफ 1456 एंड 70 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8, 5 की पावर 1 यानी कि 5, और 7 की पावर 1 इंटू 7, ये आपका कितना हो गया, 280 हो गया। यहीं पर हमारा ये LCM हमने निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसका SCF निकाल दिया। यहीं पर हमारा ये सवाल ख़त्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको इंडिकेट करके दिया जाता है कि आपको प्राइम फैक्टराइज मेथड की हेल्प से SCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान मेथड है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग उसको रटने की कोशिश ना करें, इसको याद करने की कोशिश ना करें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन